हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है टैरो कार्ड से देखेंगे। सूर्य गाइस जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर आपके सामने आ जाए तो आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए है और सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। और आज जो मैं देखने जा रही हूँ, क्या आपका जो रिलेशन है, जो भी रिलेशन है, जिस भी रिलेशनशिप में है आप, चाहे वो मैरिड लाइफ है, चाहे वो लव लाइफ है, या फिर कोई भी रिलेशन है, क्या आप दोनों का फ्यूचर है, क्या एक साथ है आप दोनों का फ्यूचर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। ओके, इंतज़ार चल रहा है आपका तो बहुत ज़्यादा। मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी रिलेशन में आप अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हो, नाराज़गी है, नो कम्युनिकेशन है और साइलेंट एनर्जीज है, लेकिन आप इनको बहुत पसंद करते हो और इनके साथ ही आप स्टेबल होना चाहते हो। यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज नज़र आ रही है और देख लेंगे कार्ड्स को। इस टाइम पर मुझे आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन शो हो रहा है, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन शो हो रहा है जो कि आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, या फिर आप दोनों को अलग करके रखा हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में उस थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे भी नज़र आ रहा है कि दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और ये जो है ये पूरी तरीके से आपके साथ मूव ऑन हो चुके हैं या फिर लाइफ से चले गए हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपकी जो पार्टनर है वो आपके बिना अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो जो कार्ड्स आ रहे हैं, वो कार्ड्स यहाँ पर एनर्जीज को बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अकेलापन और बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, क्योंकि जब से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है तब से ये अपने आप को अपनी लाइफ में अकेला पा रहे हैं। इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये खुद आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, खुद आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जब भी आपके पास साथ मिले थे, जब मतलब आपसे फर्स्ट मीट हुई थी, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड में हो, या फिर आप डिफरेंट साइड मैरिड हो, सिंगल हो, कोई भी एनर्जीज हो सकती है आपकी, लेकिन इनके दिल में आपके लिए उसी समय डिसीज़न इन्होंने ले लिया था कि ये आपके साथ फ्यूचर देखेंगे और आपके साथ ही स्टेबल होंगे फ्यूचर में, तो लॉन्ग टाइम रिलेशन निभाना चाहते थे। लेकिन बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आप लोगों के बीच में हो गई, खासतौर पर थर्ड पर्सन की वजह से। दोनों के बीच में इनका एक्चुअली क्या हुआ कि इनके एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर कार्ड भी है नाइन ऑफ सोर्ड्स का, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस को एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस पाइसिस कैंसर एंड एरिस। ये राशि के पार्टनर आपके हो सकते हैं। इनके और आपके बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। दोनों के बीच में लव होते हुए भी आजकल इनका जो बिहेवियर हो रहा है वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है जैसे कि मतलब रूडली बिहेवियर, या फिर इग्नोर करना, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपको आपसे बात ढंग से नहीं करना, या कोई ऐसी बात मतलब आंसर ढंग से नहीं देना किसी बात का, या फिर ब्लॉक कर देना, दूरियों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशन में अभी चल रही हैं और ये आपसे लव भी करते हैं। और रही बात अगर आप मैरिज की पूछते हो मुझसे, क्या मैरिज चाहते हैं, तो मैं बोलूँगी आपसे हाँ, डेफिनेटली ये आपके साथ ही स्टेबल होना चाहते हैं, चाहे मैरिड हो चाहे लव रिलेशनशिप हो, ये आपके साथ ही जो है वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका साथ इनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपका साथ इनको चाहिए, लेकिन आप दोनों के बीच में इस टाइम पर इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हो, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस टाइम पर इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि इनकी भावनाएं जुड़ी हैं। गुस्सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इग्नोर ये बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा इनको आपसे छीनना चाह रही है इनको, और वो थर्ड पार्टी नहीं चाहती है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई ऑफिस का हो या कोई फ्रेंड सर्कल में हो, कि आपके साथ ये कॉन्टैक्ट करें और आपसे बात करें। तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि आप दोनों दूर हो, लेकिन इनकी एनर्जीज यहाँ पर ही आ रही है कि ये फ्यूचर में आपके साथ ही चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी आपका नो कॉन्टैक्ट है, या फिर अगर आप एक साथ रहते हो या काम करते हो तो भी हो सकता है कि आप लोग ऐसे वेव, वो ये आपसे ऐसे वेव करते हो जैसे कि मतलब एक काम की बात सिर्फ करना, नॉर्मल बात करना, कोई भी प्यार की बात नहीं करना, कोई भी रिलेशनशिप की बात नहीं करना, ऐसा मुझे दिख रहा है कि मतलब बात सिर्फ लिमिटेड बात करते हैं अभी आपसे, और आप दोनों के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एनर्जीज में आपके पार्टनर जो है ना वो सैड रहते हैं,
उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि वो खुद आपके साथ जो है वो चाहते हैं कि एक रिलेशन कंप्लीट रिलेशन करें हम, क्योंकि पहले था आपका कंप्लीट रिलेशनशिप। तो दूसरी चीज़ थर्ड पर्सन का दबाव, थर्ड पार्टी का बहुत दबाव है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, थर्ड पर्सन का फैमिली इशू बहुत दिखा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शो हो रही हैं। एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये कह रही है अभी कि इस टाइम पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन रही बात फ्यूचर की, कि फ्यूचर आप दोनों का साथ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो कार्ड है मेरे पास वो यहाँ पर बता रहा है, जस्टिस का कार्ड है जो कि यहाँ पर बता रहा है कि फ्यूचर आप दोनों का साथ है। अभी जो भी स्टक एनर्जीज हैं या जो दूरियाँ हैं या रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मूव ऑन कर लिया है, तो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये लौट के आएंगे आपके पास लाइफ में और आपके साथ इनका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा, फ्यूचर आपका स्टेबल होगा, क्योंकि ये आपके साथ ही फ्यूचर चाहते हैं। तो फ्यूचर में आप साथ हो, फ्यूचर में एनर्जी साथ की है, अभी प्रेजेंट की एनर्जी स्टक हो रही है, रुकी हुई एनर्जीज है जो कि इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना रही है, लेकिन आगे एनर्जीज ओपन होगी जो कि आपकी फ्यूचर तक जाएगी और फ्यूचर आपका साथ होगा। तो पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो जो वीडियो पर नंबर आ रहा है सिर्फ उसी नंबर पर मुझे मैसेज करें, कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज करें, कमेंट बॉक्स के नंबरों से बचें, वहाँ पर मैं कभी नंबर नहीं देती हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।